सो आवर टुडे टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। थे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने इफ एल्स इसको स्टडी किया था और आज हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर हमने कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। स्टूडेंट्स इफ एल्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता था, एक कंडीशन फॉल्स होती थी तो कंट्रोल हमारा एल्स वाले ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता था। अगर हमारे पास कोई इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो तो उनको हैंडल करने के लिए हम इफ और एलिफ को इस्तेमाल करते हैं और इसका सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले इफ, उसके बाद कंडीशन, फिर कॉलन और फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो, फिर एलिफ का कीवर्ड, कंडीशन, उसके बाद जो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होती हैं वो, और उसके बाद अगर आप एल्स लगाना चाहते हैं तो ये चॉइस होती है आपके पास। इसको आगे एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ओके, ये वर्क कैसे करता है। द टेस्ट एक्सप्रेशन इन इफ एलिफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस अंटिल अ कंडीशन इज रीच्ड। ओके, अब एक सीक्वेंस के साथ सारी कंडीशंस चेक होती हैं, पहले इफ फिर एलिफ और इसी तरीके से हर कंडीशन को चेक किया जाता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और जो उसके बाद ब्लॉक्स होंगे एलिफ के वो स्किप हो जाते हैं। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद जो ब्लॉक होता है उसको स्किप कर दिया जाता है और उससे अगली कंडीशन को चेक किया जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स। द स्टेटमेंट आफ्टर लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। ओके, अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो कंट्रोल हमारा एल्स के ब्लॉक में आ जाता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसको अपने एडिटर में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं।
ओके स्टूडेंट, इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। हमारे पास रिजल्ट में आता है ए एंड बी आर इक्वल। हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से, और दोनों को 5 असाइन किया। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ़ बी ग्रेटर देन ए तो क्या प्रिंट हो, बी इज ग्रेटर देन ए, और अगर इक्वल हो तो क्या प्रिंट हो, ए एंड बी आर इक्वल। अब इसमें होता क्या है कि ये कंडीशन फॉल्स होती है जैसे ही, तो कंट्रोल हमारा इस जगह पे आ जाता है एलिफ के पास और यहाँ से इस कंडीशन को चेक करता है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल हमारा जो अगली कंडीशंस होंगी उनको चेक करता है। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हों और एंड पे एल्स का ब्लॉक हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी आउटपुट देखते हैं। दोनों नंबर्स बराबर थे, मतलब जब हमने उनका कंपैरिजन करवाया ए में भी 5 था और बी में भी 5 था, ये कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट में हमारे पास ए एंड बी आर इक्वल प्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी, सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू बट द एलिफ कंडीशन इज ट्रू, सो वी प्रिंट द स्क्रीन डाटा ए एंड बी आर इक्वल। स्टूडेंट्स, इसका बता दिया है कि कंडीशन जो ट्रू होगी उसके बाद जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं और हमारे पास एल्स का ब्लॉक है तो वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, इसमें अब देखते हैं, इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं और अपने एडिटर में पेस्ट करके देखते हैं। इसमें जितनी भी स्पेसेस हैं, वो आपने रिमूव करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास आउटपुट में आता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसमें क्या होता है, ए में 20 पड़ा है, बी में 3। सबसे पहले इफ की कंडीशन को देखा जाता है, बी ग्रेटर देन ए कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि बी में 3 पड़ा है और ए में 20। कंडीशन तब ट्रू होगी जब
बी में बड़ी वैल्यू होगी और ए में छोटी वैल्यू। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं ए और बी इक्वल हैं या फिर नहीं। इसमें ए में 20 और बी में 3 पड़ा है तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। इसको भी स्किप किया जाता है और एल्स वाला प्रिंट हो जाता है बगैर किसी कंडीशन को चेक किए। इन दिस एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू ऑल्सो द एलिफ कंडीशन इज नॉट ट्रू सो वी गो टू द एल्स कंडीशन एंड प्रिंट द सेकेंड डेट ए इज ग्रेटर देन बी। स्टूडेंट्स नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ क्या होती है? नेस्टेड का वर्ड नेस्ट जिसे हम घोंसला कहते हैं उससे निकलता है और घोंसला तिनकों से बनता है, बाहर तिनके और फिर उसके अंदर तिनके। इसी तरीके से ये वर्ड उधर से निकला है नेस्टेड, मतलब एक इफ और फिर उसकी बॉडी के अंदर एक इफ होगी। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल इंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, इनर इफ में कंट्रोल तब शिफ्ट होगा जब हमारी आउटर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। और एक ही ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी जो ब्लॉक्स होंगे उसको स्किप कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स नेस्टेड इफ ऐसे ही है जैसे हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है और उसके अंदर हमने किसी चीज़ को रखा हुआ है। तो जब तक हम बड़ा बॉक्स नहीं खोलेंगे हम छोटे तक एक्सेस नहीं ले सकते। इसी तरीके से आउटर इफ है, जब तक वो ट्रू नहीं होगी तब तक हम इनर इफ तक नहीं जा सकते या कंट्रोल उधर शिफ्ट नहीं होगा। अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद जो ब्लॉक होगा एल इफ का या एल्स का या इफ का उसको चेक किया जाएगा। और अगर आउटर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ जो इनर इफ होगा उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो उस सूरत में हमारा कंट्रोल आउटर इफ से भी बाहर आ जाता है। कि इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे नेस्टेड इफ की। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने एडिटर में पेस्ट करते हैं। जितनी भी स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस वो हम इसमें खत्म करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसको हमने 41 असाइन किया। उसके बाद हमने इफ की कंडीशन लगाई, अगर एक्स में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 10 से तो क्या प्रिंट हो, अबव 10। और फिर कंट्रोल हमारे पास इस जगह पे आ जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। उसके बाद जो नेस्टेड इफ है, जो इफ इस इफ की बॉडी का हिस्सा है, उसको चेक किया जाता है। इफ एक्स ग्रेटर देन 20, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, एंड आल्सो अबव 20, अगर नहीं होती तो हमारा कंट्रोल एल्स पे आएगा और बट नॉट अबव 20 प्रिंट हो जाएगा। अब 41 बड़ा है 10 से तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। उसके बाद जो इनर इफ है उसको चेक किया जाता है, उसकी जो कंडीशन है वो भी हमारे पास ट्रू है तो इसको भी प्रिंट करवा दिया जाता है। और उसके बाद एल्स जो है वो हमारे पास तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली इफ जो है वो फॉल्स होगी। अब हम यहाँ पे 11 देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, 11 जो है वो बड़ा है 10 से लेकिन 20 से वो छोटा है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा कंट्रोल एल्स पे गया और उसके बाद जो ब्लॉक या स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा आते हैं लेक्चर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ, अगर एक इफ है और उसकी बॉडी के अंदर एक इफ है तो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इफ के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करवानी हो तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द पास स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू फॉर सम रीजंस हैव एन इफ स्टेटमेंट विद नो कंटेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। अगर हमने किसी वजह से जो हमारी इफ की कंडीशन है उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाना तो हम क्या करते हैं, पास का कीवर्ड लिख देते हैं। अगर हम पास नहीं करते या पास का कीवर्ड नहीं लिखते तो हमारे पास फौरन से एरर आ जाता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पास का कीवर्ड लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने एग्जांपल अपने एडिटर में रन करके देखनी है। अब चलते हैं हम कोड की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर एंड डिस्प्लेज हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब हमारे पास ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इसके मुताबिक हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से इनपुट लेगा उसका स्कोर, और अगर स्कोर 90 से अबव है या 90 के इक्वल है तो आउटपुट में ग्रेड ए प्रिंट होगा। अगर 80 to 98 के दरमियान है, सॉरी 89 के दरमियान है तो बी प्रिंट होगा, और अगर 70 to 79 के दरमियान है तो सी प्रिंट होगा, और अगर 60 to 69 के दरमियान है तो डी प्रिंट होगा, और अगर बिलो है या लेस देन है 60 से तो आउटपुट में ग्रेड एफ प्रिंट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्कोर का वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप कास्टिंग के लिए, इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और उसके बाद जो
मैसेज इनपुट लेते हुए हमने प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास रीडिंग में थी वो ये थी कि स्कोर या तो 90 से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, तो प्रिंट क्या होगा, योर ग्रेड इज ए। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास एलिफ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर हम नंबर देते हैं, लेट्स सपोज 83 देते हैं, तो 83 ना तो 90 से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है, तो जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और हमारा कंट्रोल एलिफ पे शिफ्ट हो जाता है और उसकी कंडीशन को देखता है वो ट्रू है या फॉल्स। अब 83 बड़ा है 80 से, अगर हम इनपुट में 83 देते हैं तो 83 बड़ा है 80 से, हमारे पास जो इसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एडिटर में। ओके स्टूडेंट्स, हम जो एग्जांपल स्लाइड में देख रहे थे उसको हमने अब अपने एडिटर के अंदर इंप्लीमेंट किया है और हमने इनपुट में रन करने के बाद इसको 83 दिया और उसने बी प्रिंट करवा दिया। हम इसको दोबारा रन करते हैं और इनपुट में 90 देते हैं, उसने ग्रेड ए प्रिंट करवा दिया। अब इसको हम देते हैं 60 से लेस देन स्कोर और फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। योर ग्रेड इज एफ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट की जाती है या इसको चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंट्रोल इस इफ के अंदर आता है और प्रिंट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और बाकी जितने भी हमारे ब्लॉक्स होंगे उनको स्किप कर देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल नेक्स्ट जो हमारे पास एल इफ होगा, जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी जितने ब्लॉक्स होंगे उनको स्किप कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसी तरीके से उससे जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो फिर उससे नेक्स्ट, अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो जो एल्स का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स 3 नंबर एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, हम तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक वेरिएबल ए, बी और सी, बाकी हम इंट लगाते हैं टाइप कास्टिंग के लिए, इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए, और उसके बाद जो मैसेज प्रिंट करवाना हो इनपुट लेते हुए वो लिखते हैं। इसी तरीके से बी और सी दो और वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है, ये ए और बी का कंपैरिजन होता है, अगर दोनों इक्वल है और कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो इनर इफ होगी कंट्रोल हमारा वहाँ पे शिफ्ट होगा, उसके बाद देखेगा कि ए सी के इक्वल है या फिर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए सी के इक्वल होता है तो प्रिंट में जो कमांड है, जो हमने स्ट्रिंग दी हुई है, वो हमने लिखा है ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर ए बी के भी इक्वल है और सी के भी, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये छोटा है या बड़ा है बाहर वाली इफ से या अंदर वाली इफ से, अगर ए बड़ा है बाहर वाली इफ से तो
कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल सीधा इस एल्स पे आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल जो इनर एल्स होगी उस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। वह स्टूडेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने एडिटर में। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं। अब पहला नंबर हम देते हैं 8, फिर 7 और फिर 6। नंबर आर डिफरेंट। अब इसमें क्या होता है, ए में हमारे पास 7 है, बी में 6, सॉरी ए में 8, बी में 7 और सी में हमारे पास 6 है। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ए में हमारे पास 8 है और बी में हमारे पास 7 है, तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो हमारा कंट्रोल सीधा इधर से इस सेल्स पे शिफ्ट होगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो ये वाली जो इफ की कंडीशन है ये ट्रू होगी और हमारा कंट्रोल जो इनर इफ होगी उस पर शिफ्ट हो जाएगा और इस कंडीशन को भी चेक किया जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि ए के अंदर 7 है और सी के अंदर 6, तो हमारा कंट्रोल इनर एल्स के अंदर शिफ्ट होगा और उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करवा देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब तीनों नंबर एक जैसे देते हैं। ओके, ऑल नंबर आर इक्वल। अब ये वाली इफ की कंडीशन भी ट्रू है और इनर इफ भी ट्रू है, उसके बाद कंट्रोल हमारा इधर आता है और इसको प्रिंट करवाने के बाद सीधा इस इफ की बॉडी से बाहर आ जाता है, जो आउटर इफ है उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इफ एलिफ को देखा और नेस्टेड इफ को देखा, उसके अलावा हमने देखा कि अगर इफ की बॉडी को हमने एम्प्टी छोड़ना हो या उसको खाली रखना हो तो हम पास का कीवर्ड यूज़ करते हैं।